आदर दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से तीन बड़े ऐलान किए गए। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, ख़ास तौर से किसानों के साथ जो मारपीट की गई, किसानों को जिस तरह से रोका गया और किसानों पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, सरकार ने किसान नेताओं पर दबा करके FIR दर्ज की। 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। IPC के विभिन्न धाराओं में इन पर FIR दर्ज की गई, जिसके बाद अब किसान नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें किसान नेता रोते हुए दिखाई दिए और उसके बाद उनको जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। इसी के साथ किसान नेता ने तीन बड़े ऐलान किए, वो तीन बड़ी मांगे जिनको आज हम आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का क्या कहना है, खास तौर से 26 जनवरी की जो हिंसा हुई उसको लेकर के राकेश टिकैत का क्या कहना है और क्या मांग की है उन्होंने, और जो गिरफ्तारी का वारंट आया है उसको लेकर के क्या कहना है, और जो BJP के नेताओं की जो हरकतें रही हैं उसको लेकर के किसान नेता का क्या कहना है। सबसे पहली बात किसान नेता राकेश टिकैत ने कही है कि वो किसी भी तौर पर सरेंडर नहीं करेंगे और उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो पानी नहीं पिएंगे चाहे कुछ भी हो जाए जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हैं। जो दूसरी बात है और सबसे अहम मांग है वो राकेश टिकैत ने कहा है कि जो भी पूरा मामला 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार उसकी जांच कराने को तैयार नहीं है क्योंकि दीप सिंधु जैसे लोग भी उस लाल किले पर मौजूद थे जिनकी तस्वीरें BJP के बड़े नेताओं के साथ वायरल हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 26 जनवरी के रोज़ जो हिंसा हुई उसकी जाँच करेगा। तीसरी बात, वो भी बहुत अहम बात है जो राकेश टिकैत ने कही है, कहा है कि BJP के विधायक हिंसा करने के लिए धरने पर आए थे लिहाजा उनके कॉल रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि उन्होंने उस रोज किस किस से कब कब कितनी कितनी क्या क्या बातें की हैं उसको सार्वजनिक किया जाए ताकि पता चल सके कि असली षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जो मांगे राकेश टिकैत ने की हैं क्या सरकार उन पर अमल करेगी, क्या राकेश टिकैत के कहने के बाद मांग के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा और क्या सो मोटो संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट। यह सबसे अहम बात है कि क्या खुद से कोई संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, क्योंकि देश के लाल किले पर वो भी राजधानी के बीचों बीच इस तरह का बड़ी हिंसा बड़ी घटना होना अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती है कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।